अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी? सबके ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो में आपको सबसे पहले मशहूल हो जाए। तो इस चैनल पे हम सबसे पहले ये बात कर रहे हैं जी, फोरसाज सिस्टम क्या चीज़ है। फोरसाज एक बार सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज है, कोई इसकी कंपनी नहीं है, कोई इसका एडमिन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आप ही खुद इसके मालिक हो, सारा कुछ आप ही हो। तो इसमें मैंने आपको दो प्लान X3 और X4 ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं जी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नॉन वर्किंग कैसे आती है, नॉन वर्किंग के लिए कौन से ऐसे प्लान हैं। उसमें से चार प्लान है ये टोटल, इसमें एक XXX है और एक X Gold है, ठीक है जी। अब नॉन वर्किंग प्लान ये वाले हैं, ये तीन नॉन वर्किंग प्लान है, ठीक है जी। एक इसमें सिर्फ वर्किंग का है। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सिर्फ XXX और X Gold ये रहता है। तो चलते हैं जी, XXX किस तरह से वर्क करता है और इसमें कहाँ कहाँ से नॉन वर्किंग आती है और इसे क्यों अपग्रेड करना चाहिए उन लोगों के लिए भी है जो इसमें ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन उसने ये अपग्रेड नहीं किया, लेकिन उसके अलावा भी जो बंदे ज्वाइन हो के फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो समझते हैं जी किस तरह से हम इसे स्ट्रक्चर को, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर काम करता है और कहां कहां से आपको अर्निंग आती है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर से पहले थोड़ी सी आपने बात समझनी है कि XXX में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्किंग अगर आपने लेनी है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। अब पहले आपने ये समझना है, फ़र्ज़ कर लें ये आपने अपग्रेड कर दिया XXX आपने अपग्रेड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको कहाँ कहाँ से अर्निंग आए। फ़र्ज़ करो आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, इसके ऊपर कौन बैठा है जी, मैं बैठा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कौन बैठा है, मेरा अपलाइन बैठा है। इसके ऊपर भी एक अपलाइन बैठा है जो कि तीसरा अपलाइन है, आपका तीसरा अपलाइन, ठीक है। फिर सुन लें जी, ये आपने अपग्रेड किया, आपके ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर अपलाइन बैठा है, उसके साथ एक ऊपर और एक अपलाइन बैठा है। इसी तरह नीचे आपका डाउनलाइन बैठा है, उसके नीचे एक डाउनलाइन बैठा है, उसके नीचे एक डाउनलाइन बैठा है, ठीक है जी। ऊपर वाले तीन अपलाइन, एक दो तीन अपलाइन, नीचे वाले एक दो तीन डाउनलाइन, ठीक है। अब अपलाइन की भी कोई ना कोई टीम होगी, डाउनलाइन की भी कोई ना कोई टीम होगी, देख लेते हैं जी। फर्ज़ कर लें ये आपने टीम बना रखी है अपनी, ठीक है। एक बंदा ऐसा निकला कि उसने ना आगे क्रॉस लाइन बना ली, तकरीबन उसने 10 बंदे ऐसे जोड़ लिए फ़र्ज़ कर लें जो काम वाले हों। इसी तरह इसके साथ भी टीम होगी, क्रॉस लाइन जिसे कहते हैं क्रॉस लाइन, ठीक है। उसने फ़र्ज़ करें आपको 5 बंदे इसके साथ जुड़े हुए हैं और आगे इसकी भी क्रॉस लाइन है, ठीक है। हर डाउन लाइन हर बंदे की कोई ना कोई टीम होगी, ठीक हो गया। ये भी क्रॉस लाइन है, फ़र्ज़ करें इसके साथ सिर्फ 2 ही बंदे हैं। अब ऐसे ही ऊपर अपलाइन की क्या होगी, मेरी खुद की मेरी टीम भी है, इसकी भी टीम है, इसकी भी टीम है। तो XXX में इन सब से पैसे आते हैं, इन सब से, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इसे अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये डाउनलाइन नीचे जितने भी डाउनलाइन बैठे हैं उनकी क्रॉस में टीमें बैठी हैं, अगर उनमें से कोई भी बंदा अपग्रेड करता है, फ़ायदा इसका सारा का सारा फ़ायदा आपको, इसका सारा का सारा फ़ायदा आपको, यानी कि आपने सिर्फ अपग्रेड किया। अब XXX का पहला लेवल है, $8 लगते हैं उसके ऊपर, आपको कितना मिलता है, 46.4। अब ये कैसे मिलता है मैं समझाऊंगा आपको स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसलिए इसे क्यों अपग्रेड करना चाहिए XXX को, ऊपर के 3 अपलाइन, नीचे के 3 अपलाइन, ऊपर की 3 की क्रॉस लाइन, इनकी 3 की क्रॉस लाइन, सबसे पैसे आते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी, फिर इसका स्ट्रक्चर समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। फिलहाल आपने ये माइंड में रखना है, यहाँ से पैसे आते हैं और ये नॉन वर्किंग है, कोई आपने मेहनत नहीं की, नीचे आपकी टीम बैठी है, उन्होंने अपग्रेड किया, आपको फ़ायदा हो गया। चलते हैं जी इसके स्ट्रक्चर पे, XXX किस तरह से वर्क करता है और क्या इसका स्ट्रक्चर है,
कहाँ कहाँ से आपको अर्निंग आती है। ट्रिपल एस का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है, ठीक है। इस तरह से आपका भी शो होगा जब आप ज्वाइन करेंगे सिस्टम को और ट्रिपल एस अपग्रेड करेंगे। इस तरह का सिस्टम होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, मैंने क्या बात की, मैं प्लस मेरा अप्लाइंग प्लस मेरा अप्लाइंग और बाकी आपके नीचे जो भी टीम है वो सारी। फ़र्ज़ करें जी सबसे पहले आपने अपग्रेड किया इसे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने $8 लगाए हैं और कितने मिलेंगे इसके हर रीसाइकल पे, एक रीसाइकल होगा 46.4 आपको डॉलर ये दे देगा, ठीक है, आपके डायरेक्ट वॉलेट में, कहीं इधर उधर नहीं जाने, ज़ाया जुया नहीं होने, कुछ भी नहीं होना। अब ये पहला जब फील होता है, अब ये कहाँ से फील होगा, ये फील होगा आपके आपकी ये मेरी वजह से, यानी कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी वजह से, मेरी टीम की वजह से, मेरी वजह से, मेरी टीम की वजह से, मेरा ऊपर अप्लाइंट बैठा है उसकी टीम की वजह से, मेरा उसके ऊपर एक अप्लाइंट बैठा है उसकी टीम की वजह से, ये फील हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा फील होता है, अब आपने अगर टीम नीचे बनाई हुई है उसकी वजह से भी ये फील हो सकता है, ठीक हो गया। अब जैसे ये दो फील होते हैं, सबसे पहले आपके ये फील होने होते हैं, ठीक है, जैसे दो फील होते हैं इनकी पेमेंट सीधे आपके ऊपर ये जो अपलाइन बैठे हैं इन सब में डिवाइड हो जाती है, ठीक हो गया जी। किस में डिवाइड होगी, ये दोनों की उसमें डिवाइड हो जाती है। अब आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, अब आपको आने आने हैं, ठीक हो गया। अब कैसे आएंगे, सबसे पहले ये फील होगा, सबसे पहले ये फील हुआ, ठीक है, ये चाहे ये बंदा करवा दे, चाहे ये आप करवा दो, चाहे ये ऊपर आपका अप्लाइन करवा दे, उसके ऊपर वाला अप्लाइन करवा दे, उसके ऊपर वाला अप्लाइन करवा दे, यानी कि ये सारे में से कोई बंदा भी आपका ये फिल कर दे, आपको सीधे 2.4 आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। आपने कोई आगे यानी कि कोई बंदा नहीं लेके आया इसमें, ठीक है, सारा कहाँ से फिल हुआ, ऊपर से। इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये। अब इसमें से भी 2.4 ये कौन बंदा ज्वाइन करवाएगा जी, कौन करवाएगा, ऊपर अप्लाइन बैठे हैं, आप बैठे हो, ये दो बंदे बैठे, ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए वो ये फिल करवा देते हैं, ठीक है। इससे भी 2.4 आ गए, इससे भी 2.4 आ गए। अच्छा ये जो होता है ना, ये अप्लाइन का होता है यानी कि रिसाइकल होता है, ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना 4 साइज में, तो ये होता है रिसाइकल। इसकी पेमेंट सीधी की सीधी आपके अपलाइन को जाती हैं जो ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसकी तीनों की कहाँ से आती है जी, ये आपको मिलती है 2.4 तीन मरतबा आपको मिलते हैं, यानी कि कितने बन जाते हैं ये ऑलमोस्ट 2.4 ये 7.2 बन जाते हैं, ठीक हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे बड़ी मज़े की बात है, ये जो स्लॉट फिल होगा यानी कि सर्कल फिल होगा, ये बंदा करवा दे, ये बंदा करवा दे, आप करवा दो, आपके ऊपर अप्लाइन जो भी बैठे हैं तीन अप्लाइन वो करवा दे, ये फील होगा सीधे आपको डायरेक्ट 5.6 मिल जाएंगे। इसी तरह ये बंदा जो है, ये बंदा करवा दे, ये करवा दे, ये करवा दे, सारे अप्लाइन मिलके करवा दे, 5.6 फिर आपको आ गए। आपने कुछ भी नहीं किया, सारा काम आपके डाउनलाइन कर रही है और ऊपर वाले बंदे कर रहे हैं। ये वाली चीज़, 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 ये सारी की सारी कहाँ से फिल होगी, आप करवा दो, ये दो बंदे करवा दें, ये वाले बंदे करवा दें, ये ऊपर अप्लाइन बैठे हैं वो करवा दें, जो मर्ज़ी करवा दे, यहाँ से भी 5.6 सबसे आ जाएंगे। कितने बंदे हैं, 5.6 एक दो तीन चार पाँच छः सात। और आखिरी जो होता है वो रिसाइकल का होता है, रिसाइकल होके फिर खाली हो जाएगा, फिर आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ एक दफ़ा लगाए हैं 8, आने कितने मरतबा है, इन्फिनिटी टाइम, 8 लगाए 46.4 कितनी दफ़ा आएंगे, इन्फिनिटी टाइम आएंगे, ये आते ही जाएंगे, ठीक है। ये फ़ायदा होता है ट्रिपल एक्स का। अब जैसे ये देखें 5.6 हो गए, ये तकरीबन 39 के करीब बनता है इतना, यानी कि टोटल जो है 46.4, ठीक है। और ये इन्फिनिटी टाइम रिसाइकल होता जाएगा, होता जाएगा। इसमें आपको ये नहीं है कि टीम बनाएगी, आपके डाउनलाइन आप खुद, ये आपके साथ जो बंदे ऊपर से फील हो रहे हैं ये करवा दें, वो ऊपर वाले अप्लाइन बैठे हैं वो करवा दें, जो मर्ज़ी करवा दें, फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम
ट्रिपल एस जो है इस तरह से वर्क करता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अपग्रेड किया हुआ है फिर आपको ये फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। जब तक $8 नहीं लगेंगे इसमें उस वक्त तक आपको ये फ़ायदा नहीं दे सकता, ठीक है। इसे लाजमी अपग्रेड करें, और जो बंदे ज्वाइन अभी नहीं हुए वो लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है इसे। और जब तक ये ज्वाइन होते हैं उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि इसमें ये करके आप अपग्रेड करके $8 लगा के इजी हो के $8 लगाएं, और क्या इन्फिनिटी टाइम ये लेते रहें ये चलता ही जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये वर्क करता है ट्रिपल एक्स, इन्फिनिटी टाइम इसने रिसाइकल होता जाएगा। तो उम्मीद है जी आपको ये समझ आ गई होगी सारी, किस तरह से ये वर्क किया और किस तरह से ये आपको डॉलर्स आपको सीधे आपके वॉलेट में देता है। इसमें ये नहीं है कि ज़ाया होंगे, कि वॉलेट में आए हैं किसी के हत्थे चढ़ गए हैं, कुछ भी नहीं होगा, सारे के सारे ये आपके ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी एक्स गोल्ड पे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जो बंदे ने फोर्स है ज्वाइन किया हुआ है और जो करना चाह रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, कि ये वाली भी और आगे जो एक्स गोल्ड वाली है वो भी सब के लिए है, ताकि वो किस तरह से अपना अपग्रेड करें और क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही। ट्रिपल एक्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। यहाँ से 2.4, यहाँ पर 5.6, यानी कि टोटल 46.4 आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो इनके भी आगे लेवल हैं, डबल होते जाते हैं, यानी कि अगला आया है इसका $15 का, ठीक है। अगला स्लॉट अगर वो बाय करते हैं आपको कितने ये डबल हो गए, कितने बन जाते हैं 1496 इतने बनते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क करता है, बड़ा कमाल का सिस्टम है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो लाजमी करें, ठीक है। मेरे साथ आना है, मेरी आईडी आपको शो भी हो रही होगी, व्हाट्सएप का नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी है, ठीक है जी। तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह एक्स गोल्ड किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको सबको बताऊँगा, ठीक हो गया। किस तरह से वर्क करता है जी वो मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।